Assalamu alaikum friends, आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्रेड बॉल की रेसिपी। सबसे पहले मैंने ना चिकन ले ली 1 कप, उसके अंदर 1 कप शिमला मिर्च डाल ली थी, नमक, कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्चें ये 1 1 की ले ली थी, 2 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने इसमें मायोनीज ले लिया था, थोड़ा कम डाल रहा था तो थोड़ा सा मायोनीज और डाल दिया था, तकरीबन 1 टेबल स्पून मायोनीज और डाल दिया था। उसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया था, मैरिनेट करके मैंने इसको साइड से कर लिया था। तो मैंने ब्रेड ले ली, उसके साइड इसको साइडों से कट कर लिया, जैसे साइड हो गए, फिर उसके बाद जो है मैंने उसको पानी में भिगो के अच्छे से प्रेस कर लिया था, और प्रेस करने के बाद उसके अंदर मसाला डाल के और एक बॉल टाइप बना ली, उसके पैक कर लिया उसको अच्छे से, ठीक है, और उसकी बॉल टाइप बना ली। आपने भी भिगोना है ब्रेड को और उसको निचोड़ लेना है, निचोड़ के अच्छे से जैसे पेड़ा बनाते हैं या इस तरह से आपने इसे बॉल बना लेना। फिर उसके बाद अंडा लेना है, डिप करना है, ब्रेड क्रम डालना है, उसमें कोट करना है, और यही प्रोसेस हमें सारे के साथ घरी लिया करके उसको साइड पर रख दिया। सारे जब हमारे इस तरह से ब्रेड के जो है बॉल अंडे में कोट करके फिर ब्रेड क्रम में कोट करके हमने इसके अंदर जो है ये फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। डीप फ्राई करने हैं, शैलो फ्राई नहीं करने, पर बहुत ज़्यादा ऑयल ना मिले, नॉर्मल ऑयल में भी डीप फ्राई करना कि बस ये अच्छे से दोनों तरफ से डीप भी हो जाए और अच्छे से फ्राई भी हो जाए। तो जी ये देख रहे हैं आप कि मैंने इसको फ्राई होने रख दिया, मीडियम लो जो है उस पर रखना है आपको, आँच इसकी मीडियम से लो होनी चाहिए, मीडियम टू हाई नहीं होनी चाहिए। और जब ये अच्छे से तरफ से हो जाए तो उनको टर्न कर देना, ज़्यादा देर नहीं लगानी, जल भी सकते हैं तो ना ज़रा जल्दी जल्दी प्रोसेस कर लें कि जब लगने लगे हम हो गए होंगे नीचे से क्वारंटाइन हो गए। और पता है ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही क्रिस्पी बॉल्स बनती हैं ऊपर से, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन है, अंदर से भी बहुत जूसी टाइप होता है, ऊपर से क्रिस्पी होता है। और मैंने ट्राई किया था, बहुत अच्छा फर्स्ट टाइम बनाया था, घर में सबको बहुत पसंद आया था।